सूरज निकल आया है पूरब की ओर से और नया साल आपको मुबारक हो मेरी ओर से। दोस्तों साथियों, नया साल आ चुका है और हर नए साल में हम सभी लोग कुछ ना कुछ रिजोल्यूशंस बनाते ही बनाते हैं। देखिए, आपको जान के हैरानी होगी, यू विल बी एस्टोनिस्ट टू नोट दैट 90% ऑफ द रिजोल्यूशंस आर ब्रोकन विद इन द फर्स्ट मंथ ऑफ द अपकमिंग ईयर। आने वाला जो साल होता है ना, उस साल में 90% का जो रिजोल्यूशंस होता है ना, वो टूट चुका होता है जनवरी के एंड तक, पहले महीने के अंत तक ही वो रिजोल्यूशन खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बहरहाल, मेरी शुभकामनाएं तो आपके साथ है ही, मेरा बेस्ट विशेष आपके साथ है कि आपका हर साल जगमग हो, हर साल जबरदस्त हो, शानदार हो। मैं इस बार 3 नए रिजोल्यूशंस ले रहा हूं और आप देखेंगे कि मैं इसे शेयर भी करूंगा और सभी लोगों से बांटूंगा भी और कोशिश करूंगा कि आप भी कुछ नया करें हर साल। देखिए दोस्तों, एक बात तो पक्की है, बराबर मैं अपने टॉक्स में, अपने सेमिनार्स में और अपने बुक्स में लिखता रहता हूं, जिस इंसान के जिंदगी में सफलता है उसने एक काम जरूर किया है, वो कॉमन डिनोमिनेटर है सक्सेस का, वह यह है कि लगातार अपने आप को चैलेंज किया है उन लोगों ने और उन लोगों ने लगातार नई चीजों को किया है। दे ऑल हैव क्रिएटेड न्यू थिंग्स इन अ डिफरेंट वे एवरी ईयर। तो इस साल मैं थोड़ा सोच रहा हूं कि थोड़ा सोशल एक्टिविटीज में अपने आप को और अधिक इन्वॉल्व करूं। तो मेरा पहला रिजोल्यूशन है इस साल का, मैं ब्लड डोनेट करने जा रहा हूं। मैंने डिसीजन लिया है कि साल में मैं एटलीस्ट एक बार ब्लड जरूर डोनेट करूंगा। एक बार इसलिए क्योंकि बाकी का जो ब्लड डोनेट करना होगा ना मुझे, वो मैं अपने पास रखूंगा इन एन एमरजेंसी। एक बार तो कंपलसरी है ही, बाकी मैं कोशिश करूंगा और किया भी हूं कि अगर कोई जान पहचान वाला या बिना जान पहचान वाला जिसको मेरी जरूरत हो तो मैं उसको भी दे सकूं। तो पहला काम मैं यह कर रहा हूं कि मैं ब्लड डोनेट करने जा रहा हूं। दूसरा काम, मेरा जन्मदिवस आता है, सेलिब्रेशन आता है, कोई खुशी आती है, तो पहले तो मैं बर्थडे सेलिब्रेट किया करता था, अभी भी करता हूं, लेकिन मैंने डिसीजन लिया है 2023 से कि मैं अपना जन्मदिवस या ऐसा कोई भी सेलिब्रेशन ओल्ड एज होम में जाकर मनाऊंगा, स्लम के बच्चों के साथ मनाऊंगा, ऑर्फनेज में जाकर मनाऊंगा। ये मैंने डिसीजन लिया है, ये 2 रिजोल्यूशन। और थर्ड रिजोल्यूशन जो मैंने लिया है, जो हर साल रहता है, हर साल एक नई किताब मैं लेके आता हूं। इस साल भी मेरी भरपूर कोशिश रहेगी कि मेरी तीसरी किताब भी मार्केट में आए, आप लोग तक पहुंचे और आप लोग का प्यार मुझे मिले जैसे हर बार मिलता आया है। तो तीसरी जो मेरी किताब होगी वो इधर ये बुक सॉफ्ट स्किल्स पे होगी या फिर ये द बिहारी रोड्स, इट मीन्स कि बिहार के एक से बढ़कर एक जो धुरंधर है एजुकेशन के फील्ड में, पॉलिटिक्स के फील्ड में, सोशल सर्विस के फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में, आर्ट एंड क्राफ्ट के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में, जितने भी लोग ऐसे हैं, कई बड़े नाम हैं, कई बहुत छोटे नाम हैं, कुछ नाम एनोनिमस है, गुमनाम है, जो लोग नहीं जानते, अपनी बुक के सहारे मैं उनकी प्रेरणात्मक कहानियों को अपनी बुक में लिखूंगा। तो प्रयास यही है कि कुछ करके जाऊं, क्योंकि देखिए इंसान का जन्म हुआ है तो साधारण काम करने के लिए इंसान का जन्म नहीं हुआ है। मैं बार बार कहता हूं, यू आर नॉट बॉर्न टू रिमेन ए मेडियोकर, मेडियोक्रिटी इज स्ट्रैंगलिंग योर ड्रीम्स। देखिए आप जब इस दुनिया में आए हैं तो कुछ भयंकर करके जाइए, कुछ खतरनाक करके जाइए, कुछ महान करके जाइए, कुछ बड़ा करके जाइए, कुछ अद्भुत अकल्पनीय करके जाइए, स्प्लेंडेड मैग्निफिसेंट इटर्नल करके जाइए, राइट, कुछ ऐसा करके जाइए। तो ये 3 रिजोल्यूशन है जो मैंने लिया है और मैं, आप तो जानते हैं, जो वादे मैं करता हूं कम से कम खुद से, उन वादों को मैं जरूर निभाता हूं। तो पहला काम मैं करूंगा रक्तदान करूंगा, दूसरा काम मैं करूंगा कि अब कोई भी सेलिब्रेशन करूंगा वो सेलिब्रेशन ऑर्फनेज में, स्लम के बच्चों के साथ, ओल्ड एज होम में करूंगा,
और तीसरा काम मेरी बुक आएगी, दोनों में से कोई एक बुक, पहली बुक सॉफ्ट स्किल्स पे, दूसरी बुक द बिहारी दोस्त, दोनों में से कोई एक बुक, काम दोनों पे ऑलरेडी चल रहा है। दोस्तों साथियों नया साल आ गया है, मैं चाहूंगा कि आप नया साल कैसे बिताइएगा, अपने वीडियोस अपने फोटोज मुझे शेयर करें, मुझे बताएं फेसबुक पे व्हाट्सएप पे मुझे संपर्क करें और मुझे बताएं कि आप नया साल कैसे बिताएंगे। हैप्पी न्यू ईयर 2023।